दोस्तों आप सभी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस वीडियो में तीन लगभग टॉपिक जो हैं वो हम कवर करेंगे। एक सीलिया के रिगार्डिंग, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा सीलिया में क्या क्या अपडेट लेटेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो तो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम पहुँचेंगे जो आपका फार्मिंग वाला अपडेट है, यानी मीम पॉइंट जो आप सभी ने अर्न किया था 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 इस तरीके से, उनका क्या अपडेट है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर, समझते हैं कि अपडेट क्या है इन दोनों का। और आप सभी के इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी हो तो वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। वैसे एक चीज़ है कि हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान अपना एयरड्रॉप की तरफ रखना चाहिए, माइनिंग भी करनी चाहिए। एयरड्रॉप में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एयरड्रॉप्स आते हैं माविया जैसे, जिन्होंने 12-12 कॉइन दिए और 12 कॉइन से ही आप लोगों का यहाँ पर लगभग $50 का प्रॉफिट हुआ है। बकाया फीस वगैरह काट के प्रॉफिट हुआ है $50 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं INR में अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 5,000 के समथिंग ये आपका बैठ जाता है। तो पे जैसा कि अब आते हैं सीलिया के ऊपर, तो सीलिया की तरफ से यहां पे एक ट्वीट किया गया था, ये आप यहां पे देख सकते हैं, द प्यूपिल फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज फ्यू स्टीज एंड सितंबर 30 लॉन्च। यानी इनकी तरफ से कहा गया था कि हम अपना सितंबर में क्या लॉन्च करेंगे, यानी एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस में हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो आप ऐसा मत समझिए कि क्रिप्टो एक्सचेंज के रिगार्डिंग हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पे तीन पॉइंट बताए गए हैं, ये तीन पॉइंट का क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है KYC एंड सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। अब KYC की बात करें तो फेस 1 ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है, आप स्ट्राइक कलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कीजिए, आपके स्ट्राइक हो जाएंगे, आप अपना यहाँ पे KYC जो है वो यहाँ पे सेकंड वाला सबमिट कर पाएंगे। अगर आप एक दिन यहाँ पे मिस कर देते हैं तो आपके जो स्ट्राइक हैं वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए लगातार यहाँ पे आपको माइनिंग करनी है और आपके स्ट्राइक यहाँ पे जैसे ही 15 होते हैं फर्स्ट लेवल का आपका हो जाएगा। फिर आता है सेकंड लेवल का, तो सेकंड लेवल की रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि जल्दी यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। अनाउंसमेंट होने के बाद में आप यहाँ पे सेकंड कर पाएंगे। और सेकंड में जो यहाँ पे सेकंड KYC होगा, इसमें आप सभी को मेरे हिसाब से शायद वॉलेट एड्रेस भी ऐड करना पड़े कि किस वॉलेट एड्रेस में आप अपना कॉइन ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया कि सेकेंड KYC और उसके बाद सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सीलिया टोकन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि हम पब्लिक सेल रखेंगे, पब्लिक सेल में 15 मिलियन सीलिया टोकन यहाँ पे सेल करेंगे। हमने ओमेगा के केस में देखा था जो यहाँ पे रखा गया था क्या, पब्लिक सेल होने के बाद में जो प्राइस था और वो लोगों ने बाई किया उस प्राइस के हिसाब से, आगे जाकर के जब लिस्ट हुआ एक्सचेंजेस पे तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से प्राइस धड़ाम से नीचे आया। लेकिन उसकी सप्लाई में इसकी सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी सप्लाई को आप देखेंगे तो उसकी 1 बिलियन थी, इसकी टोटल सप्लाई की बात करते हैं तो इसकी सप्लाई ऑलरेडी 200 मिलियन है। तो काफी फर्क है, यहां पे ऐसी बात नहीं है। तो यहां पे इनकी तरफ से 15 मिलियन टोकन यहां पे प्री सेल में रखे जाएंगे। तो ये भी आप सभी के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। अब आते हैं यहां पे सीलिया एक्सचेंज। तो सीलिया एक्सचेंज के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं। यहां पे मेन जो फोकस है वो फोकस है कि आपका हो सकता है कि जो सीलिया एक्सचेंज लॉन्च हो इससे पहले ही यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दे दिया जाए, यानी जो सीलिया कॉइन है वो आपको यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस दे दिया जाए। कब दे दिया जाए? एक्सचेंज लॉन्च होने से पहले। और काफी सारी वीडियोस में मैंने इसके रिगार्डिंग चर्चा की है, तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि कैसे भी करके आप सभी अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लीजिए। जितने ज्यादा स्ट्राइक होंगे उतनी जल्दी आप अपना यहां पे KYC कंप्लीट कर पाएंगे। एंड जो यहां पे कॉइन है वो है हमारा मीम लैंड। तो मीम पॉइंट जो हम सभी ने अर्न किया था, इसकी अगर चर्चा करें तो आप सभी के पास जितने भी यहां पे पॉइंट हैं, देखिए जितने पॉइंट हैं आपको क्या करना, अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर आपने अपना रिजल्ट चेक किया है और आपका रिजल्ट यहां पे ह्यूमन आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपका यहां पे जेन्युइन है और आपको एयरड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आते हैं जिन लोगों का यहां पे ह्यूमन नहीं है उनके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और जिनका ह्यूमन है तो उनको कब तक यहां पे एयरड्रॉप मिलने के यहां पे चांसेस हैं वो भी यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहां पे आगे होने वाला है। लोगों का ह्यूमन नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं, नीचे ही यहां पे आप देखेंगे एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखिए, वी आर हैविंग ए 7 डेज अपील पीरियड इन केस आवर सुपर मेगा हाइपर अल्ट्रा डिवोट एल्गोरिथम एंड किल्ड सम ह्यूमन, प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब आप सभी को इसके रिगार्डिंग यहाँ पे करनी है अपील, और अपील का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, और जिन लोगों को सीलिया ज्वाइन करना है वो सीलिया ज्वाइन कर लीजिए। सभी का एयर ड्रॉप अब आप देखेंगे यहाँ पे लगभग एंडिंग के कगार पर है और आपको जल्द ही यहाँ पे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे इनकी तरफ से अपडेट क्या दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्वीट के जरिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो लिंक है मैंने ऑलरेडी आप सभी
सभी को प्रोवाइड कर ही दिया था। कैसे आपको चेक करना है कि अगर आपका ह्यूमन लिख करके आ रहा है तो आपका सही है, और अगर आपका यहाँ पे रोबोट वगैरह लिख करके आ रहा है तो आपका यहाँ पे गलत है, यानी गलत है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका किस तरीके का यहाँ पे क्या आपको अपील वगैरह करनी है। यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में भी आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब ये दोनों कर रहे हैं तो सही है, जैसे ये रोबोट वाला आता है तभी ब्लास्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आप सभी के लिए लिंक वगैरह भी यहाँ पे सेंड कर दिए हैं, वहाँ पे आपको अपील वगैरह करनी है तो लिंक मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिजिबल हैं लोग उनको तो यहाँ पे मिलना पूरा पूरा आप मान सकते हैं कि उनका एक तरीके से रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यू कैन नाउ चेक मीम आर एलिजिबल फॉर मीम फार्मिंग रिवार्ड, यानी हो सकता है कि आपने कहीं यहाँ पे बार बार ट्राई किया हो पहले जब यहाँ पे ज्वाइन किया था और आपके मेटामास्क में यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट्स हो तो उस वजह से एरर शो कर रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे अपील जरूर करनी है। आप सभी को रोबोट आया है तो उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपको ऑप्शन मिल जाता है आपका जो अकाउंट है जहाँ पे रोबोट लिखा है उसके ठीक नीचे ही आपको मिल जाता है सबमिट एंड अपील। ठीक है, आप यहाँ से जाकर के सबमिट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लिंक से जाएंगे वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इससे ही अगर आप प्रोसेस करते हैं कंप्लीट तो आपको यहाँ पे सही तरीके से आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ पाएगा। और मैं बता दूँ इन जो डिस्कॉर्ड है उसको आप सभी को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर एक दो बार आपको वेरीफाई कर लेना है अपना अकाउंट, और वहीं पे जाकर के इस लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे सबमिट एंड अपील कर देना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में जो भी यहाँ पे प्रोसेस था मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे रख दिया है। आपके और कोई डिफरेंट क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आप हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।